ओम शांति। जब हम सभी इस धरती पे जन्म लेते हैं तो आत्मा शक्तियाँ और गुणों के साथ भरपूर होती हैं। तो आत्मा माने जो शरीर को धारण करती है और फिर शरीर के द्वारा अपने गुण और शक्तियों को यूज़ करती है, कर्म में लाती है गुण और शक्तियों को। लेकिन फिर धीरे धीरे यही आत्मा जब शरीर धारण करके कर्म में बार बार आती है तो फिर वो धीरे धीरे अपना एक संसार रच लेती है, कर्मों का लंबा चौड़ा हिसाब खाता बनाती जाती है। और इस तरीके से संसार में जो भी कुछ है हम सभी देखते हैं ना, जैसे जन्म हुआ उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे पढ़ाई लिखाई होती है, फिर शादी होती है, रिश्ते संबंध व्यवहार आचरण में आना, जॉब करना, ये सब चलता है ना। तो एक तरीके से हमारा धीरे धीरे संसार बनता जाता है ना। तो आत्मा अपने दुनिया रचना शुरू करती है, धीरे धीरे दुनिया उसकी बन जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे भौतिक चीज़ों में भी वो इतनी लिप्त हो जाती है कि भौतिकता में वो इतनी डूब जाती है कि फिर वो ये भूल जाती है कि वो किस मकसद से इस धरती पे आई है ना। और उसके पास जो गुण हैं और शक्तियाँ हैं उसकी स्मृति भी धीरे धीरे खो जाती, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म मतलब टूल्स हैं शक्तियाँ और गुण, उसकी स्मृति आत्मा को नहीं रहती है। और वो कर्म में आते आते सब तरीके से आचरण व्यवहार में इधर उधर लोगों के संबंध संपर्क में आते वो अपने इन शक्तियों को और गुणों को बिल्कुल भूल चुकी होती है और भौतिकता में वो सुख ढूंढना शुरू कर देती है। और इस तरीके से आत्मा धीरे 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 जो मनुष्य आत्मा है, जो शरीर धारण किया तो वो मनुष्य बनी ना, तो वो मनुष्य आत्मा जो है वो धीरे धीरे मतलब उसका जो संसार है ना वो एक वृक्ष की तरह बन जाता है ना। जैसे आत्मा बीज है लेकिन उसका जो ये संसार उसका बना जन्म लेते ही से उसके साथ जो भी चीज़ें जुड़ती गई तो एक वृक्ष बन गया, उसका एक माया जाल बन गया। अब वो उसमें फंसी होते हैं मनुष्य आत्मा, तो वो मनुष्य आत्मा इसी माया जाल में इसी वृक्ष में वो अपना संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करती है, प्रेम ढूंढने की, शांति ढूंढने की ना। और इसके लिए फिर वो धन कमाती है, रिश्ते में आके फिर वो वहाँ से प्रेम पाना चाहती है। और इस तरीके से उसकी यात्रा बाहर बाहर की रहती है और उसके अंदर ही है ये गुण और शक्तियाँ, वो ये भूल जाती है क्योंकि आत्मा अपनी स्मृति भूल गई और शरीर समझ के अपने आप को मनुष्य समझ के कर्म व्यवहार में जब आती है तो धीरे धीरे वो ये सब कुछ भूल जाती है कि उसके अंदर क्या है। और वो बाहर की चीज़ों का सहारा लेके जीवन यापन करते करते अपने जीवन की यात्रा को पूरा करती है। लेकिन वो उसमें भी सुख नहीं पाती, जो शरीर है उसमें जो आत्मा है उसको इन बाहरी भौतिक चीज़ों से ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, ये सब जो बाहर हमें संसार से दूसरों के ऊपर डिपेंड होके दूसरों की निर्भरता से जो हम थोड़ा बहुत कुछ यदि पाते भी हैं तो वो भी सब क्षणिक होता है, तो उससे तृप्ति नहीं होती आत्मा को। आत्मा उन सब चीज़ों को पाके तृप्त नहीं होती। हाँ, साधन सुविधाएं मिलती हैं तो मन को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, जैसे गर्मी लग रही है तो कूलर एसी है तो अच्छी हवा मिल गई, ठंडकता मिल गई तो अच्छा लगने लगा, कुछ खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, तो वो आइसक्रीम खाने का मन किया, मिठाई खाने का मन किया वो खा लिया तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब किसको अच्छा लग रहा है? ये मन को सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आत्मा को इन सब चीज़ों से कोई उसका अटैचमेंट नहीं होता है। आत्मा का सीधा परमात्मा से ही सुख प्राप्ति होती है, लेकिन परमात्मा ने जो गुण और शक्तियाँ इस आत्मा को दे के भेजी ना, तो वो आत्मा जब अपनी ही स्मृति उसको नहीं है तो वो अपनी गुण शक्तियों का भी उसको आभास नहीं होता है। और फिर वहाँ पे मन जो है वो अपना राजपाट सब चला रहा होता है, आत्मा सोई है और मन के हिसाब से मनुष्य अपने इस माया जाल में संसार में सुख पाने की लालच में
दुख को पाता रहता है। शांति पाने के लिए वो कितना ही प्रयास करता है लेकिन फिर भी उसकी मन को शांति नहीं मिलती है और ही अशांत होता है। वो मन को इधर उधर लगाने की कोशिश करता है, मन को बहलाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको वो सुकून नहीं मिलता है जो परमानेंट मिलता है। तो इस तरीके से आत्मा अपनी स्मृति भूल गई, वो सो गई, बेहोशी में है, और मनुष्य मन के वश में रह के ये सारे चीज़ों में उलझा हुआ है। तो तब हमें हमारी इस दुर्दशा से निकालने के लिए, इस बुरी स्थिति से निकालने के लिए परमात्मा अपना हाथ बढ़ाता है। माने परमात्मा माने वो दिव्य शक्ति, वो परम शक्ति जो आत्मा की माँ है, पिता है ना, वो देखती है कि उसका बच्चा तो सोया पड़ा है और ये उसने संसार जो रचा है ये तो मन ने रच लिया है, शरीर के माध्यम से संबंध संपर्क रिश्तों में आके व्यवहार में कर्म में अपना सब करते हुए संसार रच लिया है। तो इस तरीके से वो दुख पा रहा है, तो है तो वो जो मन वो आत्मा की ही संतान है ना, क्योंकि आत्मा ने ये पूरा शरीर और मन जो है वो उसकी रचना की। और फिर वो आत्मा धीरे धीरे अपनी स्मृति भूल गई कि वो आत्मा कौन है, अपनी वो शक्तियों गुणों को भूलती गई, तो मन जो है वो प्रबल होता गया, वो शक्तिशाली। इसीलिए कलयुग में कहते हैं ना, लोग कहते मन को शक्तिशाली बनाओ, मतलब और भौतिकता में डूबो और भोग विलास में डूबो और सारी सुख साधनों में डूबो, लेकिन उसके बाद भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग मानसिक रोगी बन जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, दुखी हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? यही माया जाल में फंस गया, वो एक एक रस्सी की इससे मिल जाएगा शायद सुख, इससे मिल जाएगा सुख, और इस तरीके से वो सुख पाने के लिए अपने आप को ही इस माया जाल में इस रस्सी से बनता जा रहा है और धीरे धीरे वो वही चक्रव्यूह में फंस गया ना। तब भगवान फिर वो तो दया का, रहम का, कृपा का वो है ना, दाता है, कृपा करता है हमारे ऊपर, रहम करते हैं परमात्मा, तो वो दया का सागर है, कृपा करुणा कहते ना, तो परमात्मा आके ये हमको इससे निकालता है। लेकिन हम आत्मा सोए पड़े हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा की आहट हम आत्मा को थोड़ी सी भी होती है तो हम फिर धीरे से अपनी दृष्टि उस परमात्मा की ओर करते हैं। परमात्मा हाथ बढ़ाया माने कि ज्ञान रूपी हाथ बढ़ाता है और हम परमात्मा का हाथ थाम के फिर धीरे धीरे जागना शुरू कर देते हैं। जब जागते हैं तब हमें स्मृति फिर दिलाते हैं परमात्मा की, बच्चे तुम्हारे पास तो ये गुण और शक्तियाँ हैं, इसको तुम भूल चुके हो, इसको तुम यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ये मन अपना पूरा राज बनाए बैठा है, राजधानी बनाए बैठा है। तो फिर आत्मा जागृत होती है, धीरे धीरे परमात्मा को याद करती जाती है और ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं उसको सुनती जाती है। तो धीरे धीरे समझती हुई, ज्ञान को समझते समझते अपनी उसकी पुरानी जो स्मृति है ना वो फिर वापस आने लगती है, अपनी शक्तियों गुणों को वो पहचानना शुरू कर देती है। और इस तरीके से फिर वो इन शक्तियों रूपी जो हथियार है ना, शस्त्र जिसे कहेंगे, उससे फिर ये माया जाल को काटना शुरू करती है और मन को फिर धीरे धीरे वश में करना शुरू करती है आत्मा। और इस तरीके से आत्मा अपने वास्तविक रोल को फिर प्ले करती है। आत्मा वास्तव में माँ है, मन और बुद्धि की माँ है, लेकिन वो सोई पड़ी होती है क्योंकि मन और बुद्धि ने तो इस संसार में भौतिक वाद में उलझ गई है माया जाल में ना। तब फिर जब आत्मा माँ है जो वो जागृत होती है तो फिर इन बच्चों को संभालती है। और इस तरीके से फिर धीरे 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 हमारी जो स्वयं की स्मृति जब आती है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर हम अपने वास्तविक सुख को, वास्तविक शांति को अनुभव कर पाते हैं, सच्चे प्रेम को अनुभव कर पाते हैं जो इस संसार में नहीं है, इस भौतिकवाद में, इस माया जाल में वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है, वो तो परमात्मा से ही प्राप्त होती है। और परमात्मा मात पिता है, तभी तो हम भक्ति में भी बोलते हैं ना तुम ही हो मात पिता, तो हम उसकी पूजा भी करते हैं, उसको बोलते भी हैं मात पिता, लेकिन फिर भी हम संसार में इतने डूबे होते हैं
मतलब हमारा मन संसार में इतना डूबा होता है कि हम आत्मा जो है ये स्मृति जब हमारी आ जाती है तो फिर हम इस माया जाल से निकलने का रास्ता खोजते हैं और धीरे धीरे निकलते जाते हैं। और ये भव सागर से हमें निकालने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जिस तरीके से एक बच्चा होता है वो जब तक माता पिता की गोद में है बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा या चल भी रहा है वो धीरे धीरे चलना सीखता है तो भी वो हाथ पकड़े रहता है अपने माता पिता का, तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन फिर वो हाथ छोड़ के मान लो वो खेलने चला गया और खेलते खेलते वो धूल मिट्टी में खूब गंदा हो गया, बच्चों के साथ खेलते खेलते वो मारपीट भी हो गई, चोट भी लग गई, आहत हो गया, तो फिर वो वापस अपने घर आता है और माता पिता उसकी फिर से उसको साफ़ कर कर के उसकी जो धूल गंदगी है उसको नहला धुला के साफ़ करते ना, उसकी जो चोट लगी घाव लगी उसको ठीक करते। तो इसी तरीके से परमात्मा करते, क्योंकि हम इस सृष्टि में आए हैं, इस धरती में आए हैं, ये हमारा घर है, इधर पे हम आते हैं, ये खेलने का स्थान है ना। धरती पे आए, शरीर धारण किया और खेलना शुरू किया और फिर हम खेलते खेलते भूल गए कि ये रंगमंच है, यहाँ हम खेलने आए हैं, ड्रामा प्ले करने आए हैं, अपना पार्ट प्ले करने आए हैं। तो फिर परमात्मा आके हमारी इस जो दुख की धूल मिट्टी हमारे ऊपर लगी हुई है, चोट लगी हुई है, तरह तरह की भावनाओं की, वो सब से फिर निकालते हैं परमात्मा। और इस तरीके से हमें फिर धीरे धीरे ज्ञान योग के द्वारा साफ़ करते हैं हमारे अंदर जो व्यर्थ है, जो धूल है, जो धूल माने कि जो व्यर्थ निगेटिविटी सब है वो उसको साफ़ करते हैं। कैसे? परमात्मा बताते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, ये ज्ञान को समझो, धीरे धीरे प्यार से हमारी पालना करते परमात्मा, तो हमें ये चीज़ समझ आने लगती है कैसे ज्ञान को समझना है, कैसे योग करना है। तो इस तरीके से हम ज्ञान योग के जल से अपने को साफ करते जाते हैं और इस तरीके से हम फिर जब स्वच्छ हो जाते हैं तो हम परमात्मा की गोद को पाते हैं। और इस शरीर में रहते हुए ही हम आत्मा परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हैं, शांति को अनुभव करते हैं, सुख को अनुभव करते हैं। यही आध्यात्मिक यात्रा है। ॐ शान्तिः।